आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्योपुर में महापंचायत में उमड़ा किसानों का जनसैलाब। कृषि कानूनों की वापसी के बिना किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा, टिके। कृषि कानून को वापस करने की जिद पर अड़े किसान नेता अब कृषि कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों के जिलों में किसानों की महापंचायत करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। श्योपुर में कृषि कानून के खिलाफ कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकेत के साथ पंजाबी सिंगर रुपिंदर हांडा शामिल होने पहुंचे, तो वहीं किसान महापंचायत के मद्देनजर श्योपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय इलाके श्योपुर में कृषि कानून के खिलाफ किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रवक्ता राकेश टिकेत केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोलते नजर आए। गुरनाम चढ़ूनी ने मंच से लोगों को एकजुट होकर कृषि कानून के खिलाफ छिड़े आंदोलन में डटकर मुकाबला करते हुए खड़े होने की बात कही कि सरकारें देश के लोगों को जातिवाद के नाम पर बैठकर राजनीति की रोटी सेकती है और हम लोग जात धर्म पर लड़ाई करते हैं। चढ़ूनी ने कहा, अब समय आ गया कि ऊंची जात के लोग अपने घरों में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो को अपने घरों पर लगाएं, तो वही दलित भाई भी गुरु गोविंद सिंह और राम की तस्वीर अपने घरों में लगाकर जाति की दीवार गिराए। इसी के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम को लेकर सभा में चुटकी और तंज कसते हुए कहा कि आप लोग अपने बच्चों का नाम नरेंद्र तो बिल्कुल मत रखना, वरना अभी देश दो नरेंद्र से परेशान है, तीसरे से कैसे लड़ेंगे। इसी के साथ किसान महापंचायत में पहुंचे लोग दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन करने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेत को देखने पहुंचे। कृषि कानून के खिलाफ श्योपुर में राकेश टिकेत ने अपनी गिरफ्तारी पर लटकी हुई तलवार को लेकर कहा, उनको खबर मिली थी कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसान महापंचायत में शामिल होने के दौरान एमपी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल में पहुंचाने की कोशिश में है, तो वहीं 2012 के एक मामले में अनूपपुर कोर्ट के स्थायी वारंट जारी होने पर उनकी गिरफ्तारी पर राकेश टिकेत ने कहा, घर आए अतिथि को पुलिस केस गिरफ्तार कर सकती है। जब वो दो साल पहले एमपी में आते थे तो बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह उनके 8 मंत्रियों ने उनके साथ बैठक की थी, क्या तब उनका कोर्ट का वारंट नहीं था? और अगर पुलिस को अनूपपुर कोर्ट के वारंट की गिरफ्तारी करनी है तो वो उनके घर या किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर वारंट दे और वो सम्मान से खुद अनूपपुर जाएंगे। और अब वो एमपी के कई जिलों में कृषि कानून को लेकर किसानों की सभाएं करने वाले हैं। राकेश टिकेत ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में हाफ चड्डे वाले पैंट पहनने लगे और किसानों को बर्बाद कर दिया। अब कृषि कानून को लेकर किसान नेता चुनाव वाले पश्चिम बंगाल असम के साथ कर्नाटक में हुंकार भरेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर राकेश टिकेत ने कहा, बीजेपी वाले हर घर से एक मुट्ठी चावल मांगकर वोट मांग रहे हैं, अब किसान देश में हल क्रांति करने वाला है और 2021 का साल आंदोलन का साल है। जिन लोगों को घर परिवार जिंदगी की चाहत नहीं हो वो लोग ही कृषि कानून के खिलाफ लड़ने वाले किसान आंदोलन में शामिल हो। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। कई दिन से मध्य प्रदेश के अंदर सभाएं चल रही हैं, आज कृषि मंत्री के क्षेत्र में सभा है, तो इन सभाओं के जरिए, इन महापंचायतों के जरिए पूरे देश के अंदर ये आंदोलन फैला रहे हैं और अभी पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उधर भी जाने के प्रोग्राम है, कर्नाटक, तो यानी पूरे देश के अंदर ऐसी महापंचायतें करके हम किसानों को जागरूक करेंगे। क्रांति आओगी, क्रांति यहाँ से, ये किसान क्रांति ही देश की क्रांति में परिवर्तन होगा। ये तो सरकार बिल वापसी ले ले, एमएसपी से कानून बना दे, नहीं तो पूरे देश में जाएंगे हम। वो तो है नहीं, मिला ही नहीं कहीं, हमारे देश में ढूंढने मिला नहीं। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में है ना, यहाँ है। ठीक है साहब, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये नहीं बता पा रहे गलत क्या है कानून में। अच्छा, हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं। उसका लाइव टेलीकास्ट चलवा दो कमेटी के। ठीक है जी, सारा ही कानून गलत है। व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया।